एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सात श्री अकाल वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल सो हग मी और स्लैप मी यस आज का वीडियो यही होने वाला है सो वीडियो का टाइटल है हग मी और स्लैप मी एक्सपेरिमेंट है एक इंडियन बॉय बनकर जो है वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो हग करती है या फिर स्लैप मारती है तो एक इंडियन को और जो कि पाकिस्तान में है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस हमारी मिलती रहें ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो वहां से देख सकते हो और हाँ मैंने न्यू व्लॉग भी अपलोड कर दिया सो वहां से जाके आप न्यू व्लॉग भी देख सकोगे कमेंट सेक्शन में उस न्यू व्लॉग का लिंक मेंशन कर दिया गया सो जरूर बताएगा व्लॉग कैसा लगा सो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो पर तुम हमको मारे भी नहीं है ना नहीं मार सकते ना भाई हम पाकिस्तान में हमें ये सिखाया नहीं गया ना भाई क्या हुआ भाई चमाट मार सकता हूं जी जी क्यों 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 तो ये हम देख रहा है ना Hi guys, this is Rahil Bhatti. तो guys, आज मैं इंडियन बनके पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आए देखते हैं लोग मुझे गले लगाते हैं या थप्पड़ मारते हैं I am from India, hug me or slap me. राम राम भैया क्या हाल है बेटा राधे राधे भैया हम इंडिया से आए हो तो इजाजत दे दी है गवर्नमेंट ने हमें क्या बात कर रहे हो भैया हमारी मौसी रहती है इधर हम मुंह के पास आया हूँ सही है तो अच्छी बात है तो ऐसे क्यों चलते खड़े क्योंकि हम इधर के लोगों को चेक कर रहा है लोग कैसा है इधर का ये क्या लिखा है भैया भैया हम इंडिया से आए हूँ ये लिखा है I am from India. हम इंडिया से हूँ Hug me और slap me. हमको थप्पड़ मार लो या गले लगा लो ये लिखा है ये तो भाई क्यों क्यों कहेंगे क्यों थप्पड़ मारेंगे ये हम देख रहा है ना कि पाकिस्तान अरे धन्यवाद भैया धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा बच्चा है जी जी और तुमका जो दिल चाहे तुम कर सकते हम तुमको कोनो कुछ नहीं बोल अरे भैया बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी बहुत शुक्रिया यहाँ एंजॉय करो कोई टेंशन नहीं है बहुत अच्छे लोग अरे नहीं पाकिस्तान की बिरयानी नंबर वन आप इतना ही बोले हैं हमारे लिए इतना बहुत है कि आप ये लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम इंडिया हम इंडिया से हूँ तुम चाहे हमें थप्पड़ मार लो या गले लगा लो क्या बात है हग मी और स्लैप मी चाहे तो हमें थप्पड़ मार लो चाहे तो गले लगा लो अरे का मारने लगे हो अरे 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 धन्यवाद भैया बहुत शुक्रिया हम इंडिया से आए हूँ बहुत शुक्रिया क्या हाल है बेटा बहुत प्यारा बच्चा है क्या हाल है बेटा क्यों ये हम देख रहा है ना कि पाकिस्तान का लोग कैसा है ये वास्ते लिखा है हमारा भाई यार हम गले लगाएंगे अरे बहुत शुक्रिया क्या हाल है जो आपका दिल करता वो करे हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको बहुत शुक्रिया मोहब्बत है आपकी अरे बेटा थैंक यू इधर का तो बच्चा भी बहुत अच्छा है थैंक यू बेटा अरे आप भी आएंगे थैंक यू बेटा थैंक यू सर अरे भैया क्या हुआ भैया ये हमसे गले मिलना चाह रहे हैं
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। हम ठीक है, तुम्हारा कैसा हाल है? आप भी मिल लें भैया, क्या हुआ, गुस्से में है? ये बोल रहे हैं हम इंडिया वालों से नहीं मिलते, पर दूसरा भाई बहुत अच्छा था। क्या हाल है भैया? ये क्या लिखा है भैया? ये लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से हूँ, चाहे हमको थप्पड़ मार लो या गले लगा लो, हग मी और स्लैप मी, ये तुम्हारा मर्जी है। हम तो देख रहे हैं इधर का लोग कैसा है। अरे भैया मार, अरे भैया, अरे 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 धन्यवाद भैया, धन्यवाद, तुम भी कभी आओ इंडिया। अरे धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारा बच्चा है? अरे अरे क्या बात है बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ना, वही इस बच्चे को भी देना। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय। नहीं किया वो तो चलो कोई बात नहीं, पर तुम हमको मारे भी नहीं है ना? नहीं मार सकते ना भाई, हम पाकिस्तान में, हमें ये सिखाया नहीं गया ना, और सॉरी मैं आपको हेल्प भी नहीं कर सकता। अरे भैया हेड दिखाते हैं बॉडी से, भैया वो तो हमको नहीं मालूम कि हेड दिखाते हैं नहीं दिखाते, हम तो बस ये लेके आपके लोगों की मीडिया जो है बहुत गलत बोलती है हमें पाकिस्तान में। क्या कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं, ये तो दोनों मुल्कों की तरफ से ही पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं। मैं भाग नहीं कर सकता भाई, कोनो मसला नहीं भैया, कोनो मसला नहीं, बहुत खूबसूरत बात बोले हैं। राधे राधे भैया, हमारा मंगल क्या हाल है? राम राम भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, आप कहाँ से? इंडिया से। हम इंडिया से हैं, राजस्थान से। राजस्थान से हो? ये लिखा हुआ है तुम हमको थप्पड़ मार लो या गले लग। नहीं, नहीं, नहीं भाई, आप तो हमारे बहुत बड़े। अरे अरे बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत शुक्रिया भैया। राम राम भैया, राम राम, बहुत बड़े, राम राम भैया। और कुछ खिदमत है सर जी? बड़ी मेहरबानी भैया। अरे धन्यवाद भैया, इतना तुम तकलीफ किया। अरे धन्यवाद भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हम यूपी बिहार से आया हूँ। अरे क्या बात है भैया, जय जय बम बोले। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद, इंसानियत जिंदाबाद। अरे 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 धन्यवाद भैया, बहुत आया हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत देखिए हम तो आपको आज करेंगे। अरे बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अरे जाके लोग बोल रहे भाई, अरे यार बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मिला है। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद भैया, अपने गले में लग जा रहे हैं। कोनो तुम ही काम करो, हमको मार लो या हमको गले लगा लो, ये तुम्हारा मर्जी है। ये हमारा गाल है और ये हमारी जप्फी है। अच्छा। का करेगा तुम? मार ले। अरे इतना पार से ये तो कोई बात नहीं हुआ। आज का वीडियो जिसमें हग मी और स्लैप मी, मतलब हग करो या स्लैप करो, आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है ना और जो कंडीशन चल रही है दोनों कंट्रीज में, तो ट्रस्ट मी लोगों को यही लगता है कि हम जब पाकिस्तान में आएंगे तो हमें स्लैप पड़ेगी या फिर लोग हमसे मिसबिहेव करेंगे, मतलब इस तरह के ना लोगों की बहुत सारी सोचें होती हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है कमेंट सेक्शन में भी, कि लोग मुझे ये बातें बोल रहे होते हैं कि मैम आप जो है ना, हम लोग अगर पाकिस्तान में आएंगे तो कोई इस तरह का बिहेवियर तो नहीं होगा लोगों का। लेकिन सच कहूँ तो पाकिस्तान में अगर आप कभी आओगे ना तो आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि आप भले इंडियन हैं लेकिन प्यार आपको उतना ही मिलेगा जितना दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ को मिलता है।
और एक बात बताऊं, फॉरेनर कंट्रीज से लोग जो आते हैं ना, फॉरेनर्स आते हैं ना, तो उनको इतना रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन एक जो दिल से वाइब्स होती है ना, भाईचारे वाली, एक मतलब के अपनापन होता है, वो इंडियन के साथ है, लगाव है, क्योंकि हम लोगों का चेहरा, फेस, लैंग्वेज, हर चीज ऑलमोस्ट सेम है, तो एक अलग सी ही वाइब्स आती है। और आप देखो कि जब भी आप इंडियन से मिलते हो या पाकिस्तानी आपस में मिलते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है, तो ये एक अच्छा लगता है कि यार देखो हम लोग मिल रहे हैं, और जो है वो अपनापन लगता है, जैसे कोई अपना हो। तो इस चीज़ को ना मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बिकॉज ये चीज़ मैंने खुद फील की है। और जब मैंने करतारपुर गई थी, मैंने इंडियन से मिली थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई इंडियन से मिल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस किसी अपने से मिल रही हूँ, और बार बार मैं बॉर्डर को देख रही थी। ओ माय गॉड, वो एक्सप्रेशंस और वो फीलिंग्स, ओ माय गॉड, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, क्या क्या वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको फील कर शो करने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, जो है वो यहाँ पर भी आपने देखा कैसे लोगों ने इनको गले से लगाया, हक नहीं, हक किया, स्लैप बिल्कुल नहीं किया, बल्कि लोगों को ये लग रहा था कि ये शायद हमें थप्पड़ मार दे या फिर जिस तरह से वो लोग करीब आए, लेकिन सब ने उनको गले लगाया, किसी ने भी उनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। और सीरियसली हम लोगों में मोहब्बत है, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन हम दोनों कंट्री के लोगों में बहुत प्यार है। आप देखो इंडियन आप पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, आप पाकिस्तानी इंडियन से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि दोनों कंट्रीज मोहब्बत करती हैं, लेकिन शो नहीं करती, कभी शो नहीं करती। लेकिन आप जब मिलोगे ना, तो आपकी फीलिंग्स खुद ही सामने आएंगी, निकल कर आएंगी। तो ट्रस्ट मी, आप लोग एक बार आए पाकिस्तान, विजिट करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पाकिस्तान में लोगों से मिलकर, और अपनापन महसूस होगा, ऐसे लगेगा जैसे कि आप अपने घर में ही आए हुए हैं, और लोगों से मिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप अपने लोगों से मिल रहे हैं। और ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो था, इमोशनल था, हार्ट टचिंग था, एंड जिस तरह से उस बंदे ने गेटअप बनाया हुआ था ना, वो गेटअप बड़ा मज़े का लग रहा था, क्योंकि उस बंदे ने जिस तरह से वो बाल बनाए हुए थे और फिर हाथ में वो पहने हुए, और मतलब लाइक इस तरह का ड्रेसिंग की हुई है, तो सेम इंडिया में भी इस तरह की ड्रेसिंग होती है। तो खैर इस तरह का गेटअप बनाया हुआ था, और बोलने का स्टाइल भी वो बिहारी टाइप थोड़ा ज़्यादा रहा तो अच्छा लग रहा था वो, तो बिहारी था या लखनऊ का स्टाइल था कोई बात करने का। तो खैर यहाँ पर थोड़ा ना इस टाइप के ही इंडियन शो करने के लिए ना इस तरह से बात करनी पड़ती है, अदरवाइज लोगों को पता चल जाता है अरे ये तो इंडियन नहीं, ये तो पाकिस्तानी है तो खैर ऐसा भी होता है। लेकिन ना मेरा दिल कह रहा है मैं भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करूँ, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं भी बनाऊँ, मज़ा आएगा। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं इसलिए ना डर ही लगता है, और पब्लिक में जाके, और हाँ आप कुछ खुद से ऐसे कर रहे हो, मतलब रियल का मज़ा ही अलग होता है ना यार। अगर आप किसी को लेकर जाओ, दो तीन लोगों को खरीद लो और उनको बोलो कि आ जाओ वीडियो बनाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो एक स्क्रिप्टेड हो जाता है। तो आपको तो पता है मेरे व्लॉग्स में भी ये चीज़ें आपने देखी हैं कि हर चीज़ नेचुरल होती है, तो मैं हमेशा कुछ कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ जो कि नेचुरल हो। खैर करेंगे हम भी, ज़रूर करेंगे। तो आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, मज़ा आया देख कर, एंड मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर और बाय बाय। और हाँ लास्ट में एक बात बताऊँ, ये जहाँ पर इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है ना, ये मेरे घर के बहुत करीब है यहाँ पर मैं एक बार गई भी थी, यहाँ पर मैं व्लॉग भी बनाऊंगी, बड़ी मस्त वाली जगह है, इसको फ्रेयर हॉल कहते हैं, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई होम, बहुत ज़्यादा करीब है। एनीवेज मैंने एक बार व्लॉग में दिखाया भी था जब मैं एयर हॉस्टेस की व्लॉग में गई थी, अगर आपने मेरा एयर हॉस्टेस का व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने ये जगह दिखाई थी, वहीं पे इंटरव्यू भी हुआ था मेरा, हाँ मैंने वो दिखाया भी था। तो अगर नहीं देखा तो ज़रूर व्लॉग देखना, एयर हॉस्टेस वाला, जिसमें मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था ऑलमोस्ट टू मंथ्स अगो, दो महीने पहले की बात है, दो से तीन महीने पहले की बात है, हाँ। तो खैर आप दिखा तो देख लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।